ओके इस वीडियो के अंदर गाइस आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस आप लोग ओप्पो A3 Pro 5G फोन में गाइस आप लोग स्विच ऑफ प्रॉब्लम को गाइस आप लोग किस तरह से फिक्स कर सकते हो। सो दोस्तों इस फोन को गाइस आप लोग जैसे ही स्विच ऑफ करने के लिए जाओगे ना तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार के यहाँ पे गूगल असिस्टेंट आ जाता है। जैसा कि गाइस आप लोग यहाँ पर देख करो गाइस यहाँ पे क्या आता है बार बार गाइस यहाँ पे देख करो ना गूगल असिस्टेंट आ जा रहा है। जैसा कि गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो जबकि यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पावर मेनू वगैरह आ जाना चाहिए लेकिन यहाँ पे पावर मेनू नहीं आके यहाँ पे गाइस बार बार गूगल असिस्टेंट आ जा रहा है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है गाइस आप लोग ओप्पो A3 Pro 5G फोन में गाइस आप लोग किस तरह से ठीक कर सकते हो वही गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो गाइस जल्दी से लाइक करो, इस चैनल को गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब करो और गाइस अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो गाइस जल्दी से फॉलो करो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दोस्तों ज्यादा बकवास ना करके चले दोस्तों आज इस वीडियो को शुरू किया जाए। जैसा कि ये रहा मेरे पास ओप्पो A3 Pro 5G स्मार्टफोन जैसा ही गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो और गाइस इस फोन को गाइस मैं जैसे ही स्विच ऑफ करने के लिए जाऊंगा तो दोस्तों यहाँ पे देखो बार बार यहाँ पे गूगल असिस्टेंट आ जा रहा है। जैसा ही गाइस यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो बार बार गाइस यहाँ पे गूगल असिस्टेंट वगैरह आ जा रहा है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है गाइस अभी आपको इस फोन में ठीक करने के लिए क्या करना होगा, इस फोन का जो सेटिंग एप्लीकेशन है गाइस सबसे पहले गाइस आपको क्या करना होगा सेटिंग एप्लीकेशन के अंदर आपको चला जाना होगा। ये हमारा सेटिंग एप्लीकेशन गाइस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जैसा ही गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। अदरवाइज गाइस मैं आपको और भी एक ट्रिक बताना चाहूंगा गाइस अगर ऊपर से यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो दोस्तों यहाँ पे भी गाइस देखो वही सेटिंग लोगों यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कर देना है क्लिक, उसके बाद गाइस वही सेटिंग इंटरफेस ना यहाँ पे गाइस आपको दिखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ना स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद गाइस आपको लास्ट पे एक ऑप्शन यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा गाइस मतलब यहाँ पे लास्ट का सेक्शन का ऊपर गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा गाइस एडिशनल सेटिंग्स नाम करके जैसा कि गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। तो दोस्तों क्या करना है आपको ये वाला जो एडिशनल सेटिंग्स है गाइस यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका सामने कुछ इस प्रकार के यहाँ पे इंटरफेस यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो सेकंड वाला सेक्शन है इसके अंदर गाइस आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखने को मिल जाता है गाइस पावर बटन नाम करके जैसा कि गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे गाइस आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे ना जैसे ही गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों आपको क्या करना है गाइस सिंपल से गाइस यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक, उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको पावर मेनू और यहाँ पे गूगल यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट नाम करके यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा जैसा ही गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। तो दोस्तों आपका जो ये वाला जो ऑप्शन है गाइस आपका वॉइस असिस्टेंट पर यहाँ पे लगा रहेगा जैसा गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। तो दोस्तों आपको क्या करना है ये जो पावर मेनू का जो ऑप्शन है गाइस आपको यहाँ पे लगा देना है गाइस अभी आपका फोन यहाँ पे जैसे ही स्विच ऑफ करने के लिए जाओगे तो दोस्तों अभी देखो आपका जो पावर मेनू है वो गाइस यहाँ पे आ जा रहा है जैसा ही गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। और गाइस वो जो सेटिंग्स है बाई चांस अगर आपको नहीं मिल रहा है ना तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है गाइस यहाँ पे आपको सर्च करना है PRESS प्रेस एंड मतलब यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड मतलब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिखने हैं गाइस आप लोग यहाँ पे जैसे ही प्रेस एंड होल्ड कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिखोगे ना और बटन यहाँ पे मतलब यहाँ प्रेस द पावर बटन यहाँ पे देखो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन है गाइस यहाँ पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो दोस्तों वही ऑप्शन जो गाइस यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा गाइस इससे गाइस आप लोग इजीली कर सकते हो। और गाइस अगर आपका वॉइस असिस्टेंट यहाँ पे लगा रहे ना और गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं मैं एक बेहतरीन तरीके से मेरा फोन यहाँ पे स्विच ऑफ करूंगा तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना होगा ये जो पावर बटन है गाइस अगर आप लोग सिर्फ यहाँ पे सिंगल यहाँ पे टच करोगे तो दोस्तों आपका वॉइस असिस्टेंट आ जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है ये जो वॉल्यूम प्लस और पावर बटन है दोनों को गाइस आपको एक साथ यहाँ पे प्रेस करना है आपका जो पावर मेनू है वो गाइस यहाँ पे आ जाएगा जैसा कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। और गाइस अगर आप लोग सिर्फ यहाँ पे सिंगल यहाँ पे पावर बटन को प्रेस करोगे तो दोस्तों आपका यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट मतलब यहाँ पे गूगल असिस्टेंट आ जाएगा। और गाइस अगर आप लोग सिर्फ यहाँ पे वॉल्यूम प्लस और जो पावर बटन है एक साथ प्रेस करोगे तो दोस्तों आपका जो आपका यहाँ पे पावर मेनू वगैरह कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग भी गाइस ओप्पो A3 Pro 5G फोन में आप लोग भी गाइस स्विच ऑफ प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, अगर हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को गाइस अभी लाइक करो और गाइस इस चैनल को गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब करो। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।